का एजेंडा वही है, भाईचारा बनाओ। सर समाज की पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम को चुनाव नहीं लड़ाती, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं कराती, भाईचारा बनाती है। हमारी पार्टी, आपने चार योजनाएं देखी हैं हमारी, चाहे वो 5 महीने की हो, चाहे वो 5 साल की हो। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की सरकार में माननीय बहन जी ने एक दंगा जाति के नाम पर नहीं होने दिया। माननीय बहन जी सरकार को ठोकर मारना तो पसंद करेंगी, लेकिन जाति के नाम पर ना तो वोट लेना पसंद करेंगी, ना ही लोगों को बांटना पसंद करेंगी, ना ही दंगा कराना पसंद करेंगी। चाहे वो अयोध्या का मामला हो, अयोध्या के जजमेंट का मामला हो, अपनी सरकार को वो अपने हिसाब से चलाना पसंद करती हैं, और वो नहीं चाहती हैं कि जातिवाद के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, बिरादरी विशेष के लिए काम करें। सर, जैसे कि पूरा देश बेरोजगारी से और भुखमरी से जूझ रहा है, तो इसमें ना ही तो राष्ट्रपति जी को संज्ञान ले रहे हैं, तो इसमें कैसे, मतलब कैसे जनता को कैसे बचाया जा सकता है? इस संबंध में तो बेहतर आप खुद जानते हैं, एक वित्त मंत्री भी हमारे ऐसे हैं जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, फिर भी वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया जाता है। आज भुखमरी के कगार पर देश है, रिटायरमेंट तो हो रहे हैं लेकिन नई नियुक्ति नहीं हो रही है। आप बेहतर जानते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, हम जैसे गरीब लोग जो है फॉर्म तो भरते हैं, उसमें पैसा तो लगाते हैं, लेकिन उसका इंटरव्यू तो दूर की बात है, उसका टेस्ट तक नहीं हो पाता। ये तो और गरीब को और गरीब करने की साजिश है केंद्र सरकार की, और उन्हें पता है अगर हम नियुक्ति देंगे तो उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह कहाँ से देंगे? या तो वो अपना अपनी पार्टी का पेट भर लें, या भारत को कर्ज मुक्त कर लें, गरीबी मुक्त कर लें, भुखमरी मुक्त कर लें। सर, देश, पूरा देश एक गृह युद्ध के कगार पर खड़ा हो गया है, और जहाँ तक सेना की बात करें तो 1,00,000 सैनिक 4 साल में अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या कारण है सर? कारण आपके पास है, आपको सब पता है क्या कारण है क्या नहीं, आप देख सकते हैं। जिन देशों से बनती नहीं है आज आप वहाँ जा रहे हैं, आप एक सर के बदले 100-100 सर लाने की बात करते हैं, अब वहाँ जाके जन्मदिन पर बधाई देने जा रहे हैं, वहाँ भेंट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अकेले इतने चीनी का उत्पादन होता है कि आप दूसरे देश को दे सकें, कहाँ पाकिस्तान जैसे देश से चीनी मंगा रहे हैं। आप ये तो कहते हैं कि होली पर, दीपावली पर आप चीन के कलर का या सामान का उपयोग ना करें, तो उसे बंद क्यों नहीं कर देते हैं? आयात तो आप खुद करा रहे हैं, सामान तो आप खुद ला रहे हैं, मंजूरी तो आप खुद दे रहे हैं, और पब्लिक से कह रहे हैं आप बंद कर दें। सर, 2 अप्रैल को जो हुए भारत बंद में, कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को, बहुजन समाज के बहुत लोगों को उठाया गया और फर्जी बंद किया गया, अगर बहन जी सत्ता में आती है तो क्या उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा? छुड़ा नहीं, मुकदमे वापस लिए। बहन जी की सरकार आने पर सभी मुकदमे वापस होंगे, और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये माननीय बहन जी का भी कहना है, अगर वो रिटायर हो जाएंगे अधिकारी तब भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, तब भी उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करी जाएगी, सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन ये बहुजन समाज पार्टी का नहीं था, बल्कि पूरे देश के हर दलित समाज का, बैकवर्ड समाज का, OBC समाज के सभी साथियों का था, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, संविधान से छेड़छाड़ ना करने के लिए जो उनकी मुहिम थी उसको विफल करने के लिए जो इन्होंने केवल और केवल टारगेट पे बहुजन समाज पार्टी को रखा है, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, जबकि इसमें सभी संगठन थे, चाहे वो किसी भी, कोई भी दल हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, सभी के होने के बावजूद टारगेट बहुजन समाज पार्टी बनाया। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सरकार आएगी, सभी मुकदमे वापस होंगे, अधिकारियों पे दंडात्मक कार्रवाई होगी।